पंजाबी रैप के व्यूज और चाइनीज बैट के वायरस दोनों कब बढ़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। बेरोजगारी का भी कुछ वही हाल है। एम्प्लॉई ऑफ द ईयर तो हर कंपनी में एक होता है, पर अनएम्प्लॉई ऑफ द ईयर पूरे देश में एक। और देश में इतने बेरोजगार थे कि उनमें से अनएम्प्लॉई ऑफ द ईयर को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, ए दिल है मुश्किल था। हमारी टीम भी जॉब एप्लीकेंट्स के तरह हार मानने ही वाली थी, पर तभी हमारी मुलाकात हुई बेरोजगार कुमार से। किसी ने कहा है कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, पर शायद उसने कभी इंडिया में जॉब नहीं ढूंढा होगा। मैंने पहले इंजीनियरिंग करी और जॉब नहीं मिलने पर बाकियों की तरह मैंने फिर एमबीए कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे रूममेट सेटन भगत तक को जॉब मिल गई। उसने मेरी लाइफ के ऊपर बुक भी लिखी है, 7 rounds ऑफ माई इंटरव्यू। मैंने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा तो डेट नहीं आया, डेट आया तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो पोस्टिंग नहीं हुई, और पोस्टिंग हुई तो किसी और की। पेपर लेते लेते पता नहीं कब रोलिंग पेपर लेने के दिन आ गए। मैंने लाइफ में इतने पेपर्स दिए कि रॉक पेपर सीजर में भी बस पेपर ही दे पा रहा था, और मैं काम ढूंढने शहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि शहर जाने के लिए तो जेब में कम से कम 10 रुपए का नोट होना चाहिए ना, और मेरे पास बस मेरी कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं थी। इनफैक्ट आई पुट द फ्री इन फ्रीलांसर, बट फिर भी नो जॉब। देखिए, हर चीज से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग जहां से आए होंगे, वहां पे गोल चक्कर पे ना 3 मिनट की रेड लाइट लगती है। सो नॉट एवरीबडी नोज दिस, बट आई यूज्ड टू वर्क देयर। अच्छा, तो कितना कमा लेते थे आप? यही कोई कभी 2 रुपए दे गया, कभी 9 का नोट पकड़ा दिया, यू नो, बिगर्स कांट बी चूजर्स। और फिर हम मिले बेरोजगार के परिवार से। बैंक के नाम पे सिर्फ स्पर्म बैंक गया है ये, और उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि भाई साहब के जीन्स अच्छे नहीं है, और पहनो वो फटी हुई जीन्स। भैया ना, एक वक्त की रोटी और 2 वक्त के ताने खाते हैं। मेरी जो ट्यूशन वाली फ्रेंड्स है वो कहती है कि भैया इतने बड़े लूजर है कि वो ना वर्जिनिटी छोड़कर सब लूज कर चुके हैं। वो कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब आमदनी अठन्नी तक तो हम बहुत पहले पहुंच चुके थे, लेकिन ये साला खर्चा 4,850 के नीचे जाता ही नहीं है। भाई साहब, आसपास के ढाबों में चाइल्ड लेबर की इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसियां निकली थी, इतनी अच्छी अच्छी, उनके लिए भी निकम्मा ओवरेज निकला। पिछले हफ्ते इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, तो फिर डॉक्टरों ने कही कि इन्हें दवा से ज्यादा अब दुआ की जरूरत है। तो मैंने बोला थैंक यू, क्योंकि दवा तो हम वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। ज्यादातर बेरोजगार हार मान के दूसरा काम धंधा ढूंढ ही लेते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, न्यूज डिबेट पैनलिस्ट। बट कुमार यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ही हैड द स्पार्क, यू सी, इज जस्ट सिंपली अ जीनियस। By the way, these are my resume and my degrees. If you guys have any vacancy, I can assist to any of the campus. If you? तो girlfriend भी चली गई। मैंने उसकी शादी में DJ के लिए apply भी किया था, but वहाँ भी no job। बाकी देश का तो पता नहीं, पर मैं 2010 में ही demonetized हो गया था। पानी मिलेगा? नहीं? लाइफ में इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जॉब एप्लीकेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजेक्शन से बचने का बस एक ही तरीका है, आप अप्लाई ही मत करो। देखो, अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो वो रिजेक्ट कैसे करेंगे?